हाँ सर, मेरा नाम किरण बच्चा है। मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पढ़ाई मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। उसके अच्छा बाद घर के हालात ठीक नहीं थे तो मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है। बाद में क्या, जैसे ही काम लगता था, खेती करना, मजदूरी करना, तब जब मैं मजदूरी करने लगा तब 20 रुपया मिलता था एक दिन का। तभी से मैं मजदूरी कर रहा हूँ। बाद में तो जैसे गांव में कोई सूट बूट पहन के आता था तो मुझे ऐसा अलग महसूस होता था कि आप अपन कब ऐसा सूट बूट पहनेंगे। तो सिटी में जाने का मन करता था क्योंकि तो हमारे गांव के भी बहुत लोग सिटी में काम करते थे प्लम्बिंग का। तो मैं भी इधर का सब छोड़ बीड़ के पुणे में चला गया। पुणे में मैं 10 साल रहा। दस क्या किया? साल में प्लम्बिंग का काम सीखा। पैसा तो बहुत आता था, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये। ऐसा कभी पार्ट टाइम किया तो ओवर टाइम करते थे हम। 15-15, 20-20 दिन में इतना पैसा आता था। लेकिन वो पैसे से ना खाली चूल्हा जलता था। बैंक बैलेंस तो कुछ होता नहीं था। बैंक बैलेंस क्यों नहीं होता था कि घर घर का कोई एक्स्ट्रा इनकम आने के लिए कोई चांस नहीं था। इधर देखा 20-25 रुपये मिलता था एक दिन का। अच्छा तो उस टाइम से आज के डेट तक यही चल रहा है। और बाद में तो ये आप साइट का मैंने हमारे दादाजी ने 10 साल पहले यूज किया था। तो फेसबुक पे ये बिंदु मैम का प्लेटफॉर्म मिला और जान पहचान बढ़ी। तो बातों बातों में फिर उन्होंने बोला कि ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये नाम सुनते ही मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, तुरंत ज्वाइन कर लिया। क्योंकि इसका रिजल्ट 10 साल पहले मेरे खुद दादाजी को आया था और लोगों की डिमांड भी थी। क्योंकि हमारे गांव में 99% लोगों ने यूज किया है एपसाइटी, अच्छा तो उसको आज के डेट में मिल नहीं रहा था। ओके तो मैंने आमिर का नाम सुनते ही तुरंत ज्वाइनिंग कर लिया। और ज्वाइनिंग के बाद तो ईडीएस बनने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तब मैं दूसरे के पोल्ट्री पे काम करता था सैलरी पे, तो 14-15 हज़ार रुपये मिलता था एक महीना। कभी 40 दिन में चूजा जाता था, कभी 2 महीना लग जाता था। तो ऐसा साल भर किया। और जैसे ही हमें ज्वाइन किया तो 1 महीने के बाद उसको बोल लिया कि तुम तुम्हारा आदमी देख लो, तो मैं अभी इसमें काम नहीं कर सकता क्योंकि अगर इधर रुकूंगा तो फिर मैं बाहर नहीं जा सकता। तो फुल टाइम तुम्हारा बन के रहूंगा, तुम बोलेंगे कि हमारा भी काम करता है, बाद में तुम किसी का फोन आता है तो उधर भी चला जाता है। और मैं अगर समझो किसी का कॉल आता है कि कोई किसान का, अगर समझो मैं सुबह चाय पी के निकल गया तो कभी कभी शाम को ही खाना खाने पे घर पे आता हूँ मैं। क्योंकि उधर बहुत भीड़ हो जमा जाती है। क्योंकि एक किसान को मैंने अभी 2 महीना पहले आप साइट दिया था ना, उसने उसके खेत में यूज किया। मैंने जैसे उसको बोला था तो उसने यूज किया, उसको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला। क्योंकि हमारे इधर ना घास बहुत होता है, खरपतवार। अगर खरपतवार का स्प्रे भी यूज करेंगे तुम तो भी बाद में मजदूर लोग को लेके जाने का और निकालना ही पड़ता है। तो अभी तो आज के डेट में 300 रुपये हाजिरी देना पड़ता है। सुबह 9 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते। दिन भर कुछ काम नहीं होता। सुबह 1-1.5 घंटा तो खाना पीने में चला जाता है। तो उसने इतना लोगों को बताया। तो एक दिन तो मैं 1 लीटर गैल लेके गया था तो उधर निकला 4 लोगों का ऑर्डर। अच्छा और 12-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर। तो मैं ऐसे ही पैदल चला जाता हूँ। तो आज तक तो यही चले। तो फिर वापस एक कोरोना का आ गया। तो अभी तो घर छोड़ के किधर जा भी नहीं सकते, खाली कॉल करके लोगों से पूछ सकते हो तो किसी का आपको कोई रिक्वायरमेंट है क्या ऐसा। अच्छे रिजल्ट मिले, और उसके अलावा क्या क्या यूज करते हो होम केयर पर्सनल केयर में? इसमें न्यूट्रीलाइट में तो घर में मम्मी के लिए अपना प्रोटीन पाउडर और कैलमैग डी चालू है। और हमारे पड़ोस में भी एक औरत को ओमेगा 3 और प्रोटीन पाउडर का दिया था, कैलमेक दे दिया था। तब ऐसा न्यूट्रल का भी अभी तक 2-3 ऑर्डर आया। मम्मी के लिए अच्छा प्रोडक्ट है वो, एकदम जबरदस्त है। क्या उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो भी है, जो भी आप समझो, अभी मैं खेती करता हूँ तो जो भी घर में अनाज यूज होता है, कोई भी दाल, खाली हमारे इधर चावल नहीं होता, बाकी सब होता है। तो आदमी क्या सोचता है यार, ये ऑर्गेनिक करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। वैसा ही ये प्रोडक्ट है। आमिर बोले तो अपना एक फैमिली है और बोले तो एक खेती है वो, उसमें जो भी फसल निकलता है तो पूरा ऑर्गेनिक है और उसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त मिलता है।
अगर एक बार कोई बंदा है उसको पकड़ लेता है तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता वो। वेरी गुड। और मम्मी को कुछ फायदा लग रहा है? हाँ पहले से बेहतर है अभी वो। और कपड़े धोने का प्रोडक्ट यूज किया घर में ऐसे? हाँ कपड़े कपड़े धोने का यूज किया, डिश ड्रॉप यूज किया है, और परसोना भी यूज कर रहे हैं, और ग्लिस्टर भी यूज कर रहे अभी। एकदम जबरदस्त मैजिक प्रोडक्ट है वो। एसेट का कैसा रिजल्ट है? ये सेट का तो बहुत जबरदस्त है सर। वो तो मम्मी बोल रहे थे ऐसा कपड़ा तो यार रीन से भी साफ नहीं होता, तो किसी से भी साफ नहीं होता, तो ये बहुत जबरदस्त। और कपड़े का कलर भी एकदम चेंज हो जाता है। मम्मी खुश है मम्मी भी खुश है, सब खुश है, जो कपड़ा पहनता है वो भी खुश है। और डिश ड्रॉप का कैसा रिजल्ट आया? डिश ड्रॉप का तो पहले कैसा रहता था, जो भी उम्र आता है 20-25 रुपए में मार्केट से, वो हम यूज करते थे पहले। तो उससे क्या होता था, अगर बर्तन साफ हो गए तो बाद में जब बर्तन सूखता है ना, उसके ऊपर ऐसे सफेद सफेद धब्बे पड़ते, और वो कितना भी अच्छे तरीके से साफ किया ना तो बर्तन ठीक से साफ नहीं होता। कहीं ना कहीं वो विम बार केक का तो किधर था किधर रहने वाला है वो। तो इससे क्या है, अगर रह भी गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये खाने के साथ में अपने शरीर में चला जाता है ना, तो इससे कोई अपने को क्या बोलते हैं उसको, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब आपको किसने सिखाया ये सब? नहीं किसने सिखाया सर, ये तो मैं जब से ज्वाइन किया तब से तो मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ जैसा भी टाइम मिलता है तो, और कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बिंदु दीदी से बात कर लेता हूँ। तो अभी तो अमराव सर भी कॉल करने लगे तो वो भी टच में रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम दिल खोल के पूछ लेते। तो आप अभी कहाँ रहते हो? किस जगह आपका घर कहाँ है? मैं जो नासिक सिटी है, नासिक सिटी से 130 किलोमीटर दूर है सर मेरा। एकदम लोकल एरिया है, छोटा सा गाँव है, कम से कम 3-4 हजार लोग होंगे वो गाँव में। क्या नाम है गांव का? वाखरी करके है, और नांदगांव तालुका है हमारा। ट्रेन गुजरती है ना तो उसके वजह से वो जो छोटा सा सिटी है नांदगांव करके, वो थोड़ा सा फेमस है वो। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो सामान कहाँ पहुंचता है? आपके घर पहुंच जाता है? हाँ सीधा जो नासिक से आता है मटेरियल, कंपनी का आदमी कॉल करता है पहले, समझो 10-12 किलोमीटर दूर भी रहता है वो, तो कॉल करता है कि किरण भैया तुम कहाँ पे हो, तो मैं आ जाने वाला हूँ। तो अगर समझो मैं घर पे नहीं रहा तो भाई रहता है, और अगर मैं रहता हूँ तो मैं गांव में चला जाता हूँ लेने के लिए। वो खेत में नहीं आता है कि वो बोलते हैं कि जहाँ का एड्रेस रहता है वहाँ तक हम कॉल आउट रहता है आने के लिए। और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं तो उनका सबका आधार कार्ड पे गांव का एड्रेस है, शिवाजी चौक बोलते हैं ना, तो शिवाजी चौक तक ही आता है वो। तो आपको ऑर्डर कौन प्लेस करता है? अभी तो मैम ही कर रही है। मैम करते हैं। हाँ तो पैसे कैसे आप पे करते हो? कैसे पेमेंट कैसे करते हो? पैसे के लिए तो सर पहले बहुत दिक्कत आया था, क्योंकि जो मेरा पुराना का नंबर था वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो बहुत बार रिपेयर किया तो क्या रिपेयर हुआ नहीं। और मेरा पहले फोन पे उस पे चालू था वो नंबर पे, तो एक मेरा दोस्त था, तो जैसे ही ज्वाइनिंग किया ना तो बार बार उसका रिक्वेस्ट, उसको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता था कि भैया अभी इतने बार ये कोई इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, अगली बार मैं मेरा खुद का कर लूंगा और मैं अगली बार नहीं आऊंगा तुमको परेशान करने के लिए। तो ऐसा बहुत चला, बोले तो 2 महीना चला। फिर मैंने वो नया नंबर बैंक में रजिस्ट्रेशन किया, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उधर फिर ऑप्शन आया कि तुम्हारा एटीएम कार्ड लगेगा, तो मेरा तो पहला एटीएम कार्ड तो वो भी सब गुम हो गया था, तो फिर मैंने नया एटीएम निकाला। तो ऐसा बहुत दिक्कत आया था, तो फिर बाद में मैंने एटीएम लाया, फिर उसको चालू किया, फिर फोन पे चालू कर लिया, गूगल पे चालू कर लिया, बाद में पेटीएम भी चालू कर लिया था। अभी कोई दिक्कत नहीं, खाली पैसा बैंक में डालने के लिए जाना पड़ता है 12 किलोमीटर दूर। जैसे बैंक में जाता है तो सीधा उधर से बैंक से बाहर निकलते है, जैसे मैसेज आता है तो सीधा मैम के खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। फिट कर दिया काम आपने। आप हाँ बहुत जबरदस्त बंदे हो किरण। आपने इतना काम किया, देखो आपके गांव में सामान पहुंचा दिया, एसेट सीख लिया, डिस्कटॉप सीख लिया। यहाँ पे शहर में लोग रहते हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, और जब उनको हम बताते हैं एसेट से कपड़े धो, बोला अरे पापा पापा बहुत महंगे हैं, बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी है, एसेट महंगा लगता है। आप यार बादशाह आदमी हो, आपके आगे चुल्लू भरते वो लोग, कमाल हो गया। आपको देख के मजा आ गया यार, लुत्फ आ गया। जबरदस्त काम है, आपके लिए तालियां होनी चाहिए।